ठीक है, कर दे स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे, लेकिन मस्त होने के साथ साथ बहुत सारे बालक बहुत सारे बच्चे हताश भी हैं। और हताश है इस वजह से कि हमारा कितना स्कोर हुआ है, अन्य बच्चों का कितना स्कोर हुआ है, दूसरे बच्चों का कितना स्कोर हुआ है, इस विषय को लेकर के सभी हताश हैं। लेकिन उनमें से जहां तक हमने पता किया, कोई एक बच्चा हमें ऐसा नहीं मिला कि जो टेंशन में ना हो, जो प्रेशर में ना हो, जो हताश ना हो, जो अच्छा योग्य मेहनती, लगभग सभी बच्चे मेहनती थे, है ना, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, रात और दिन पढ़ रहे थे और एग्जाम में बैठे हैं इसमें। ठीक है, तो उसी वीडियो को लेकर के मैं आया हूं। तो सारे मेहनती बालकों से कहेंगे कि सभी जो मेहनती बालक हैं वो कम से कम टेंशन को दूर रखें दिमाग से, क्योंकि भाई नौकरी जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, आपने पूरा प्रयास किया, आपने पूरी ताकत लगाई, आपने पूरा परिश्रम किया, पूरा संघर्ष किया, आपने रातों से लड़ा, रातों से कोई लड़ नहीं पाता है, देर रात तक के जग करके, लेकिन आपने मेहनत करी, तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसका है वो तो आगे डिसाइड होगा, समय पर डिसाइड होगा। ठीक है, बच्चे का कोई फॉल्ट मैं नहीं मानता जो मेहनती बच्चा है, जो परिश्रम के उसने किया है ना, क्योंकि पहले सेट लगाने से, परीक्षा से पहले जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, और बेटा परीक्षा में जो 2 घंटे तय करते हैं ना, वही तय करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, और उन 2 घंटों में ही तय हो जाता है। हम कितने भी मैथ के एक्सपर्ट हों, बहुत सारे सवाल कर देते हैं, जीएस के एक्सपर्ट हों के 1 मिनट में बहुत सारे 50 सवालों पर टिक कर दिया, लेकिन जब पेपर के लिए बैठे बैठा तो पसीना आ जाता है अच्छे अच्छे बच्चों को, है ना। तो यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके कह देने से कि भाई पेपर सरल आया था, तो सरल बिल्कुल नहीं आया था, इजी बिल्कुल नहीं आया था। मैं खुद 8 साल से 10 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में तो अभी आया हूँ। बहुत सारे भाई प्रश्न ऐसे भी होंगे, ईमानदारी के साथ हम कहते हैं बच्चों के बीच में, कहलेंगे नहीं बेटा हमसे भी, जबकि इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं। इस तरीके के लेवल के जीएस के क्वेश्चन थे, मैथ के भी क्वेश्चन उसमें बहुत सारे टफ थे, और कई सेटों में शायद एक सेट या दो सेटों में प्रश्न गलत भी हैं, और जो प्रश्न गलत हैं उनके ये रूल रहता है कि बोर्ड की तरफ से, आयोग की तरफ से, पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कॉमन अंक मिलेंगे बेटा, उसके सभी को अंक मिलेंगे, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया हो, चाहे किसी ने नहीं किया हो। नहीं करने वाला तो इसी वजह से नहीं करेगा कि वो सॉल्यूशन करेगा, पूरा दिमाग मारेगा, पूरा मेहनत करेगा, पूरा पसीना बहाएगा, जब आंसर 4 ऑप्शन से मैच नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं वो। ठीक है, अटेम्प्ट करने वाले ने किया होगा कि कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ही, इसमें से ABCD में से लगा ही देते हैं, अब बाकी का बाद में देखेंगे, है ना। तो कॉमन अंक मिलेंगे, इसके समान अंक दिए जाते हैं आयोग के द्वारा, ये रूल रहता है बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में, जहां तक हमने देखा है ना। तो भैया जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे सरल है, सरल सरल नहीं था, टफ था, लेकिन मेहनती जो बालक हैं, जिन्होंने जितना स्कोर किया, हमने जितने बालकों से बात करी है, और एक बहुत बड़े स्केल पे हम अपने अनुभव से आपको बता दे रहे हैं कि क्या इसका स्कोर रह सकता है और कहां तक बच्चे इसमें रुके हुए हैं, कहां कहां तक बच्चे इसमें रुके हुए हैं ना। जैसे बच्चे कहते हैं 120 कराए, 115 कराया मैं पेपर से निकल के, लेकिन घर पर चेक किए तो उसने वो 100 से नीचे आ गया, चेक करने के बाद, है ना। तो ये सारी कंडीशंस तो देखनी पड़ेंगी भाई। तो देखिए, मेहनती बालक निराश ना हो, हमारी वीडियो सभी मेहनती बालकों के लिए भाई साहब। सबसे पहले तो यह है कि जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल निराश ना हो, मैं ये मानता हूँ उनका कोई फॉल्ट नहीं है, मेहनती बच्चे बिल्कुल निराश ना हो और अपनी मेहनत पर ही, परिश्रम पर ही जोर दें। मेहनती बच्चों के लिए जहां चाहा है वहां पर रहा है, ठीक है। मेहनती बालक कहीं ना कहीं से रास्ता अपना निकाल लेता है जीवन में, तो किसी को भी प्रेशर नहीं लेना, किसी को टेंशन नहीं लेनी है। आप मेहनत किया है, आपके अंदर योग्यता है, तो आप कहीं ना कहीं रास्ते बना लेंगे अपने लिए जीवन में, यह सत्य है। योग्यता कभी खराब नहीं जाती, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, ठीक है। ये भी चिंता नहीं करनी है, बहुत सारे बालक के 3 साल से वेट कर रहे थे गुरुजी, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ। अरे भाई जी, आपकी गलती नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है। जो मन का होता है तो अच्छा है कि पुलिस में लगना था, जो मन का नहीं होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन की एक कविता के ये अंश है, ठीक है। जो मन का हो तो अच्छा है, और मन का नहीं होता ज्यादा अच्छा है। तो जीवन आपको किस मोड़ पे ले जाए, कहाँ ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। और मेहनती बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा फिजिकल की तैयारी करें, सारी बातों को छोड़ करके फिजिकल के लिए लग जाएं। कौन कौन से स्कोर वाले लग जाएंगे, बच्चे कहाँ आकर के रुक रहे हैं ज्यादातर, अब इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए जी, थोड़ा सा ही डाटा हमने लिया है, 23, 24, 25, 30 और 31, 5 दिन पेपर हुआ, सुबह में हार्ड पेपर था लगभग, और जी हमने इजी लिखा है, जी हमने अपने हिसाब से इजी लिखा है, अपने हिसाब से इजी लिखा है। टीचर का एक हिसाब, एक कैलकुलेशन, एक असेसमेंट, एक आकलन अपने ज्ञान के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा वहां पे बैठा उसके ज्ञान के हिसाब से थोड़ी ना कर रहे हैं। सभी के सभी यूट्यूबर्स पेपर देने थोड़ी नहीं गए थे, हम तो यहाँ पे बैठे हैं स्टूडियो में, और बैठ करके देख लिया कि भाई इजी है कहते, लेकिन उससे पूछो जो बेटा पेपर दे करके आया कि इजी था कि टफ था। अब 23 का देखा तो सुबह का हार्ड था, तीनों शिफ्टों में हार्ड था, 23, 24, 25 में हार्ड एग्जाम था।
30 में भी हार्ड, 31 में भी हार्ड, लगभग हार्ड लेवल उसी लेवल को कहते हैं जो चारों पार्टों में मिलाकर के क्वेश्चन ऐसे थे कि सोचने पर मजबूर कर रहे थे, टाइम बच नहीं पा रहा था, टाइम मैथ के क्वेश्चंस में जा रहा था, रीजनिंग के क्वेश्चंस में जा रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो बच्चों ने कभी पढ़े नहीं हो, कभी टीचरों ने पढ़ाए नहीं हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आए बेटा। टीचर भी खुद हिल जाएंगे, टीचर को बिठा दो, सभी टीचर्स को बिठा लो, यूट्यूबर्स को कितना सॉल्व कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हम बात करें, जो विद्यार्थी के दिल में होती है ना चीजें बैठते समय कि भाई दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो हाथ कपने लग जाते हैं पेपर के अंदर और घड़ी निकलने लगती है, टाइम निकलने लगता है ना, तो वो वाली चीज होती है। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। अधिकांश बच्चों के से जहां से हमने बात करी है वो 180 और 180 से 190 के स्कोर पर रुक रहे हैं। जहां तक बच्चों से हमने बात करी है जो कहां पर रुक रहे हैं बेटा, 180 से 190 के स्कोर पर रुक जा रहे हैं, इस स्कोर पर रुक जा रहे हैं अधिकांश बालक, इस स्कोर पर रुक जा रहे हैं, है ना। इसमें 190 से 195 तक आप मान सकते हो कि यहां तक बच्चे रुक पा रहे हैं, ठीक है। करके बच्चे आ रखे हैं कि 115 किए, 120 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन बेटा चेक भी तो किया जाएगा, आकलन तो होगा, असेसमेंट तो होगा, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि जो 2019 की भर्ती थी 49,000 की, उसमें भी लगभग 35 लाख बच्चों का कंपटीशन था, और जो 2024 की भर्ती अगर तुलना करता हूं मैं दोनों भर्तियों की, तो इसमें भी लगभग एबसेंट को देखें तो एबसेंट बच्चों को हटा करके लगभग 12 से 15 लाख बच्चे एबसेंट हो गए इसमें, यानी कि पेपर ही देने नहीं गए, पेपर ही छोड़ दिया उन्होंने। तो संख्या 35-40 के बीच में आ गई इधर भी, तो दोनों वर्षों को मिला लीजिए, दोनों भर्तियों को, 2019 का कंपटीशन कितने बच्चे बैठे थे और 2024 के कितने बच्चे बैठे हैं इसमें, है ना। तो दोनों का मेरिट देख लीजिए, दोनों को मिला लीजिए एक ठंडे दिमाग से विचार करके, तो वही सारी चीज रिसर्च की है हमने, है ना। तो 180 से 190 पे बेटा अच्छे से अच्छा बच्चा रुक गया है, पेपर का लेवल ही हार्ड था ईमानदारी से, टीचर नहीं हिला पाएगा जो टीचर पढ़ रहा होगा बेटा, पेपर बच्चा तो छोड़ ही दो। 195 तक बड़े बहुत ज्यादा धुरंधर बच्चे पहुंचे इसमें, बहुत ज्यादा लड़के पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करके पहुंचे बेटा इस नंबर तक, इस मार्क्स तक। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लिखते हैं ना कि बेटा जिसके इतने कितने सही होंगे, अब बड़े बड़े लोगों ने तो लिख दिया, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको कई बार व्यूज से मतलब होता है, कई बार पैसे कमाने से मतलब होता है, बच्चे की क्या कंडीशन होगी, क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी, इससे बिल्कुल लेना देना नहीं बड़े बड़े टीचर्स को। भाई साहब बच्चा क्या सोचेगा कि भाई हमारे तो इतने हुए नहीं, सर ने इतना बता दिया तो हम तो गए काम से। तो भाई साहब उन्होंने कह दिया कि भाई जो 115 सही करके 120 सही करके आएगा उसका नंबर आएगा, तो इसका मतलब पुलिस वाले लेंगे ही नहीं किसी को 115 120 का, 60,000 खाली चले जाएंगे। यहां तक पहुंच कौन रहा है भाई साहब, 1,000 बच्चे होंगे कुल मिला के, उनमें भी नहीं होंगे जो 120 बिल्कुल सही करके आ रखे होंगे, करके तो सभी आ रखे हैं लेकिन 100 से नीचे आ गए सभी के सभी, क्योंकि गलत बहुत ज्यादा करके आए उनमें, नेगेटिव में चला गया उनका नंबर, बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग में चला गया। तो एक सही आंकलन ईमानदारी से जो आंकलन हम कर रहे हैं ज्यादातर बच्चों का, जहां जहां तक हम बात किए हैं बच्चों से, या बच्चों का जो हमारे पास रेशियो आ रहा है वो 190-95-180 के इसी के बीच में बच्चा रुक जा रहा है, इसी के बीच में बच्चा रुक जा रहा है। तो फाइनल कट ऑफ इसकी क्या रहेगी, कहां तक जा सकती है, क्योंकि बोर्ड को कितने बच्चे लेने भाई साहब, आयोग को कितने बच्चे लेने, अब ये 115 और 120 वाले का तो हटा ही देते हैं भाई साहब, यहां तक तो पहुंचना ही नहीं, बोर्ड को तो अपनी भर्ती बननी है भाई साहब, कितने लोग लेने हैं, 60,244 इतना तो उनको लेना ही है, जितनी वैकेंसी थी अब इतना तो लेना ही पड़ेगा। तो फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी भाई साहब, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी इस पर विचार करेंगे, है ना। अब आप समझ लीजिए कि लास्ट बच्चा जहां तक रुक जा रहा है, अधिकतम मैक्सिमम जिन बच्चों के बीच में कंपटीशन था वो बच्चा यहाँ पर रुक जा रहा है हार्ड, ये मैंने इजी लिख दिया है अपने हिसाब से कि भाई 23 का इजी, 24 का इजी, 25 का इजी, इजी कुछ नहीं है, एक पार्ट के हिसाब से इजी नहीं कह सकते कि जी के इजी आ गई, मैथ इजी आ गया, नो ऐसा नहीं बोल सकते, पूरे पेपर को तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही कह सकते हैं कि इजी था। एक शिफ्ट का हमें लगा था चारों पार्ट उसके इजी थे मेरे ख्याल से, 30 के सेकेंड शिफ्ट वाला जो था वो चारों पार्ट इजी थे, ठीक है बेटा। अब फिर इसमें क्या होगा, मैं एक बात बताना भूल गया, फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा, तो बेटा अभी तो नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा। अब कितना नॉर्मलाइज बोर्ड आयोग करता है बच्चों को, 5 नंबर देगा, 10 नंबर देगा, 7 नंबर देगा, 8 नंबर देगा, शिफ्ट के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइज करेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ सुबह और शाम दोनों ही टफ थे भाई साहब, दोनों में कितना कितना बच्चों को स्कोर करेगा, वो कितना रखेगा नॉर्मलाइज करके, है ना। ये बेटा आयोग पे डिपेंड करेगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस की मेरिट आपने देखी होगी, बड़े बड़े चैनलों ने भविष्यवाणी कर दी, फिर वो दांत निकल गए थे उनके सभी के, है ना, क्योंकि सभी की भविष्यवाणी दरी की दरी रह गई। तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए भविष्यवाणी उनकी होती है, लेकिन एक ईमानदारी के साथ जो बच्चा यहां तक करके आया वो मैं आपको बता दे रहा हूं,
नॉर्मलाइजेशन पे निर्भर करेगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड का आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पुरानी भर्ती का देखा था, रिसर्च किया मैंने, 2019 में जो पुलिस की भर्ती थी 35 लाख बच्चे विद्यार्थी उसमें बैठे थे। जनरल की 185 पे मेरिट गई थी, 186 मान लो भाई साहब, 186 पे जनरल वाला नौकरी ले गया था, 186 पे जनरल, 185 पॉइंट कुछ इस तरीके से, 7, 8, 9 कुछ मार्क्स थे पॉइंट में, नौकरी ले गया था 35 लाख बच्चों के कंपटीशन पे। 2024 में वही स्थिति है पुलिस में, लगभग लगभग एबसेंट होने के बाद इतने ही बच्चे बचे हैं, 35 से 40 लाख के बीच में बचे हैं। तो मैं नहीं मानता कि भाई ये मैंने लिख दिया है, जो भी हो सकता हो इसका, 190 से 195 तक स्कोर बच्चे का जिसका जा रखा होगा, वो फिजिकल की बिल्कुल तैयारी कर सकता है, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, अपनी रनिंग कर सकता है। क्योंकि ये भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि और भी भर्ती सरकार को करानी है, 2 साल बाद चुनाव भी आ रखा है उत्तर प्रदेश के भीतर। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहें, किसी भी संदेह में ना रहें, जो 190 प्लस में बच्चा है वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करे हमारी तरफ से। तो क्योंकि भर्ती का 3 गुना लिया जाएगा, 60,000 का 3 गुना कर लीजिए, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, जे लगभग 2 लाख बच्चों को तो बुलाएंगे, और 2 लाख बच्चे वही होंगे जो जिनका स्कोर कितना है, 190 के बीच में। और फिजिकल में कितने फेल होंगे इसका आंकलन आप नहीं लगा सकते, मैं भी नहीं लगा सकता, आयोग भी नहीं लगा सकता, कितने फेल होंगे वो बाद की बात है भाई साहब। तो फिजिकल भी है इसमें अभी है, और फिजिकल 3 वर्ष की इसमें उम्र भी बढ़ाई गई थी भाई साहब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 साल की उम्र बढ़ाई गई, नहीं बढ़ाई गई, बिल्कुल बढ़ाई गई 2024 में। जो 3 साल की उम्र बढ़ाई गई उनका पेपर कैसा हुआ था, जो सभी के सभी बेचारे नौकरी कर रहे थे कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, और उनका फिजिकल कैसा जाएगा जो सालों से दौड़े नहीं होंगे बच्चे बेचारे। इन चीजों पर भी हमें डिस्कस करना है, निष्कर्ष करना है, विश्लेषण करना है इनका भी भाई साहब ठंडे दिमाग से, कि जो 3 वर्ष बढ़ाई गई लगभग अधिकांश, जहां तक हम जानते हैं अपने अनुभव से, हमारे पास जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में थे लगभग 99% जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में। नौकरी करते हुए उन्होंने फॉर्म भरा, नौकरी करते हुए फिजिकल देंगे, नौकरी करते हुए पेपर देकर के आए, बस समझ रहे हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं, ये भी एक इसमें लेना है, हमें मेंशन करना है पॉइंट। तो इन दोनों भर्तियों की तुलनात्मक अध्ययन अगर 19 से मैं करता हूं, इस समय 2024 में बच्चों की संख्या लगभग वहीं पर आ गई है, और जनरल में बच्चा यहां 185 में ले लिया गया, क्योंकि फिजिकल में एक बहुत बड़ी संख्या में बालक फेल हुआ था, हमें पता है, हमने लगाए बच्चे, बच्चे लगे हैं हमसे पढ़ करके, फिजिकल में बहुत बड़ी संख्या में बच्चा फेल हो गया था 2019 में। अब आप क्या समझते हैं कि यहाँ सभी ले लेंगे, सभी को ले लिया, ले लेगा बोर्ड, सभी फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे दौड़ भी नहीं लगा पाएंगे, दौड़ वो ही लगाएगा जिसके पास स्टेमिना है, जिसके पास ताकत है, जो लगातार अभ्यास में है बच्चा, पिछले 1 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से लगातार अभ्यास कर रहा है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की, ठीक है। जो बच्चा, जो बालक फिजिकल की तैयारी नहीं किया, 5 किलोमीटर दौड़ना ऐसे ही नहीं है बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हताश किसी को नहीं होना है, निराश किसी को नहीं होना है, जो एग्जाम देकर के आया, जो पेपर अच्छे से देकर के आया, अपनी मेहनत से 190-200 के बीच में पहुंच रहा है, अपनी मेहनत से 190-200 के बीच में पहुंच रहा है। 60,244 के 3 गुने बच्चे लिए जाएंगे, 3 गुने में फिजिकल के अंदर लगभग 2 लाख बच्चे लेगा ही लेगा। 2019 में 2.5 गुना बच्चा लिया था, लेकिन रूल 3 गुना लेने का होता है भाई साहब, रूल जहां तक मैंने पढ़ा है आयोगों को, 3 गुने बच्चों को वो लेते ही लेते हैं। अब 3 गुने 2 लाख हो गए, और 2 लाख में से भाई साहब आप जानते हैं फिजिकल होना है, दौड़ लगानी पड़ेगी, 5 किलोमीटर लगाइए, आ जाइए मैदान में। तो अभी से सभी स्टार्ट कर दें, जो पेपर दे करके आए, जो परीक्षा दे करके आए, यहाँ पर स्कोर रुक जा रहा है। एक से एक बच्चा ब्रिलियंट, जो 4-4 साल से पढ़ रहा है, जो 3-3 साल से पढ़ रहा है, क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि पेपर था भाई साहब, पेपर का लेवल था, ईजी पेपर नहीं था। तो पूरी ईमानदारी से आप लगे रहें, पूरी तन्मयता से, फाइनल कट ऑफ कहाँ जाएगी बस इसी पर निर्भर आता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। तो भाई साहब मैं आपको जहां तक अपने अनुमान से मैं बता देता हूं, अपने अनुमान से मैं बता देता हूं कि बच्चा यहां पर रुक रहा है इसके नीचे, क्योंकि उन्हें भर्ती बोर्ड को तो क्या बच्चे लेने भाई साहब, भर्ती बोर्ड को कौन लेने, बच्चे लेने भाई साहब, और 60,000 जगह भरनी है, 60,000 क्या भरनी है उनको, जगह भरनी है भाई साहब 60,000 जगह, ठीक है। तो ना तो आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन आकलन है, सब अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इतने सारे बच्चों से हमने बात करी, बच्चों का स्कोर इतना आ रखा है भाई साहब, इतने में से इतने और जा रखे हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो स्कोर यहां तक पहुंच सकता है उनका, है ना। कुछ अभी फिजिकल में भी फेल होने वाले हैं बहुत बड़ी संख्या में,
200 के नीचे मैं मानता हूं। एक स्कोर तो मैं नहीं बता सकता सही और सटीक स्कोर क्या रहेगा, ये तो आंकलन है 195 से 200, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसको मैं हटा देता हूं कि जो मेरिट रहने वाली है, जो मेरिट बेटर रहने वाली है वो 200 के नीचे ही रहने वाली है, डाउन में रहने वाली है, 200 के नीचे रहने वाली है मेरिट। ये मैं अपने अनुभव से मैं बता दे रहा हूं। समय का इंतजार करिए, समय बलवान होता है जैसा बुजुर्ग कहते हैं बेटा, किसी को टेंशन नहीं लेनी, किसी को हताश नहीं होना है, सबने अपनी ईमानदारी से दिया, अपनी मेहनत से दिया, अपने परिश्रम से दिया, जितना भी रात और दिन दिन और रात पढ़े थे, बच्चे को उसी को पता चलता है जो एग्जाम में बैठता है। बाकी का बहुत सारे बच्चे तो चलते फिरते रास्ते में आते जाते कह देंगे कि भाई तेरे कितने आए कितने आए, तो उनकी बातों पर भी नहीं जाना है ना, वो बस इसीलिए पैदा हुए हैं, जन्म ही इसलिए लिए थे कुछ बच्चे कि वो बस इसी बात को ही पूछते हैं पूरे जीवन भर, है ना। आपको वर्क करना है, आपको जीवन में आगे जाना है, तो कम से कम मतलब रखिए, अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए। मैं बस इतना ही कहने के लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी, किसी को हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना, 200 के नीचे जो मेरिट आपकी जानी है, तुलना कर रहा हूं मैं उस भर्ती से तुलना कर रहा हूं, सटीक उसी के हिसाब से पूरे आंकड़े चल रहे हैं। जो 2019 की भर्ती थी, ये वाली भर्ती थी 2019 वाली, कितने बच्चे थे, कितने हजारों बच्चे भी मेरे आंखों के सामने जहां तक मैंने देखे फिजिकल में फेल हो गए बच्चे पेपर निकालने के बाद, भाई साहब बहुत बड़ी संख्या में। तो इस बात को आप याद रखिए, ठीक है बेटा। तो 185 पे जनरल में पुलिस में नौकरी लगी थी 2019 में, 185 में 15 जोड़ेंगे तब आएगा 200, समझ गए। और एक एक नंबर लाना यहाँ बहुत टफ, बहुत मेहनती काम पड़ गया है। तो फाइनल हमारी तरफ से तो यही है बेटा, आप बस तैयारी करो। जो बच्चा 190 से 200 के बीच में, करिए तैयारी, जो 190 से 200 के बीच में वो तैयारी करिए सब चीज को छोड़ करके। और फिर हताश किस लिए होना है, जीवन मिला है, जन्म मिला है भाई साहब आपको मेहनत करने के लिए। मेहनत तो भगवान राम ने भी की थी, तो आप तो एक अंश हैं भगवान के ही, आप और हम भगवान के अंश हैं, किस लिए टेंशन लेनी, किस लिए हताश होना, किस लिए परेशान होना। आपने मेहनत करी, आपने अपना परफॉर्म किया, बेहतर और नहीं बेहतर समय के ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मेहनत करिए अपनी आगे के लिए, ठीक है। हताश होकर नहीं बैठना, फिजिकल के लिए मेहनत करिए, तैयारी करिए। 190 से 200 के आसपास तक मैं फाइनल नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतने पे आ जाएगा, क्योंकि 2019 में इतने पे आ गया था। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं बच्चों को, 2019 में जब बच्चा इतने पे नौकरी ले गया था, 185 पे जनरल में जॉब ले गया था बच्चा, और इससे नीचे थी एससी एसटी की वैकेंसी सभी की सभी जो मेरिट थी, उससे तुलना कर सकते हैं। लड़के भी उतने, बच्चे भी उतने, उस समय भी उतने थे, आज भी उतने, उस समय कम वैकेंसी थी, आज ज्यादा वैकेंसी है, 49,000 थी, 60,000 है वैकेंसी। आज कंपटीशन उसी के बराबर आ गया है, बच्चे कहेंगे कि साहब कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, उसी के बराबर आ गया है। अभी तो फिजिकल देखिए, फिजिकल को आने दो, आप ही खुद देख लेना जो बच्चे दौड़ने जाएंगे कितने बच्चे नहीं लगा पाएंगे दौड़ आपके सामने ही, है ना। 100 का बैच दौड़ा जाएगा, मान लीजिए 50 का बैच दौड़ा जाएगा, तो उसमें से 15 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे जो बेटा दौड़ लगा रखे होंगे। ये बात नोट कर लो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, और आप देख लेना फिजिकल वाले दिन जब आप दौड़ने जाएं, जब आप रेस करने जाएं, ठीक है। तो सभी के लिए शुभकामनाएं हमारी, बहुत विशेष और अनेक अनेक शुभकामनाएं, जो मेहनत से पढ़ करके गए और इतना बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, शानदार तरीके से स्कोर उन्होंने किया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और मेहनत भी करिए, पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़िए, पढ़ाई को थोड़ा सा पढ़ते भी रहिए, एक दो घंटे देखते रहिए, लेकिन फिजिकल पे पूरी ताकत लगाइए, फिजिकल दौड़िए आप, 5 किलोमीटर रेस करिए आप, ठीक है। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हताश होना जीवन का लक्ष्य नहीं है, है ना। एकदम आनंद से रहिए, आप ईश्वर के भगवान के अंश हैं, आपने मेहनत करी है अपने क्षेत्र में, जबरदस्त मेहनत करी है। हम बच्चों से मिलते हैं, कठिन परिस्थितियों में बच्चे पढ़े हैं, संसाधनों के ना होते हुए बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इतना मार्क्स लेकर के आते हैं, तो परेशान नहीं होना, आगे का काम करिए, बाकी का समय के ऊपर छोड़ दीजिए। अलग अलग बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, अलग अलग यूट्यूबर्स मिलेंगे, वो इधर से उधर करते रहेंगे बच्चों को, है ना, उन्हें पैसे से मतलब होता है, पैसा कमाना होता है, बस ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कोई दिक्कत शक समस्या लगी हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट के बाद फिर आपका उत्तर अगली क्लास में दिया जाएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।